नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज का प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि उन तमाम कश्मीरियों, बहनों, बेटियों, माओं, जवानों और बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए और किया जाता है, जिन्होंने भारत की दहशत गर्दी और रियासती दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रखा हुआ है, जिसमें लाखों कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और ये जद्दोजहद जो है वो जारी है। मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1989 से लेके अभी तक तकरीबन कहा जाता है कि 95,741 लोग जो हैं वो अपनी जानें जो हैं वो पेश कर चुके हैं, यानी शहीद हो चुके हैं। इरास्ती शहादतें जो हैं वो 7,163 हैं। गिरफ्तारियां जो की गई हैं 1,61,407 हैं। ख़वातीन जो बेवा हुई हैं उनकी तादाद तकरीबन 23,000 है। जो बच्चे यतीम हुए हैं उनकी तादाद 1,10,000 के करीब है। इसी तरह इज्तिमाई ज़्यादती के जो शिकार हुई हैं हमारी ख़वातीन, वहाँ पे उनकी तादाद भी 11,234 से भी ज़्यादा है। हलाकतें जो पिछले 6 सालों के दौरान डाटा जो हम देखते हैं उसमें 1,603 लोग जो हैं उनको शहीद किया गया है। हिरासती जो शहादतें हैं वो 137 हैं। इसी तरह जिनको पुरतशद्दुद तरीके से ज़ख्मी किया गया है जिन लोगों को, उनकी तादाद तकरीबन 32,438 है। इसी तरह गिरफ्तारियां जो की गई हैं वो भी 35,000 से ज़्यादा हैं। ख़ासकर पिछले 1.5 साल के दौरान हमने देखा है। ख़वातीन जो बेवा हुई हैं 132, बच्चे जो यतीम हुए हैं 303 और ख़वातीन जो ज़्यादती का शिकार हुई हैं वो 1,105। मकसद कहने का ये है कि जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी की जा रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो सारी दुनिया जो है शायद उससे गाफिल है या वो देखना नहीं चाहती। गो के पिछले 2 सालों के दौरान हमने, 1.5 साल के दौरान हमने देखा है कि बैन अवी सतह के ऊपर कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ममालिक की पार्लियामेंट के अंदर भी इस इशू को गाए बगाए उजागर किया जाता है, लेकिन इस शायद ये काफ़ी नहीं होगा। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिशाल मलिक साहिबा, आप रहनुमा हैं कश्मीर की। बहुत शुक्रिया आपका मिशाल साहिबा, आपने हमें टाइम दिया जी। और जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब वफाकी वज़ीर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब, आपने हमें टाइम दिया। मिशाल साहब, थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें कि अब सूरत हाल क्या है, ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सूरत हाल है। देखिए, वहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त, अब तो 2रा साल होने को है जो 5 अगस्त को 2019 को जो उन्होंने जो इक़दाम उठाया एक लॉफेयर के तहत, जो उन्होंने एक पूरी कौम के ख़िलाफ़ एक जेनोसाइड का एक्ट कमिट किया जो हाईएस्ट क्राइम है इन द वर्ल्ड, और एक पूरी कौम को एक कब्रिस्तान में तब्दील करने की एक फॉर्मल ऑर्डर पास हो गया। और उस दिन से लेकर अब तक एक लॉकडाउन है, एक कर्फ्यू है, एक सीज है, और दुनिया ने तो एक झलक देखी है कोरोना के दौर में कि एक लॉकडाउन होता क्या है। हालांकि ये लोगों की जानों को बचाने के लिए था, मगर वहाँ पे तो कितनी दिहाइयों से हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है लॉकडाउन और कर्फ्यूज करते हैं और सीजर्स, ताकि लोगों को घरों में आके मारें, सड़कों पे मारें, दुकानों में मारें, स्कूलों में मारें, हॉस्पिटल्स में अटैक करें। तो ये है वहाँ का आलम। और इस वक्त तो अंदाज़ा ही आप नहीं लगा सकते कि जिस लेवल का वहाँ पे जुल्म चल रहा है, तेज़ी, इतनी तेज़ी से गाँव के गाँव खाली कराए जा रहे हैं और लोगों को टॉर्चर सेल्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है या LOC के करीब, और उनको रेफ्यूजी की तरह मुकम्मल बना दिया गया है। प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स छीने जा रहे हैं लोगों के, और उन घरों में जहाँ पे कश्मीरी बसते हैं वहाँ पे इंडियंस को वो घर की मलकियत दी जा रही है, इलीगली दी जा रही है। वजह क्या है? दे वांट टू 15 लाख फैमिलीज को दिए इन कोरोना के दौरान। कश्मीरियों की जो जज्बा है उसको वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको फेल करने के लिए, डिफीट करने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ ये कर रही है इंडियन फोर्सेस। बिल्कुल उनको करने के लिए, और डेफिनेटली उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। ब्राइब करने का, टेरराइज करने का, ल्योर करने का, डराने का, धमकाने का, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज करने का, लॉफेयर कमिट करने का, सारे हमारे लीगल राइट्स ले लेना, इंटरनेशनली हम कहीं कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमारी लीडरशिप को जेलों में नजरबंद किया और टॉर्चर किया जा रहा है, पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर बैन है, इंटरनेट के ऊपर बैन है, खाने पीने की सप्लाईज नहीं है वहाँ पे लोगों के पास, 2 साल होने वाले हैं इस बात को, और जो वहाँ पे हालत है आप सोच भी नहीं सकते, जो इकोनॉमी का हाल है, जो लोगों का लाइवलीहुड है कितना अफेक्ट हुआ है इसके साथ, स्टूडेंट्स और यूथ की जो एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो साइकोलॉजिकल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और उसके साथ जो ज़हनी और जो जिस्मानी बीमारियां लोगों की हैं और इलाज के लिए वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते। फिर अब तो कोविड के दौरान तो ना कोई टेस्टिंग किट्स थी उनके लिए, और जो भी आई भी थी वो भी हिंदुस्तान की आर्मी को उन्होंने छीन ली, डॉक्टर से उनको मारा पीटा, और जो भी जख्मी हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनको भी मार दिया जाता है। बिल्कुल सही है फ़खर इमाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि मोदी के पिछले चंद सालों के दौरान हमने बहुत ज़्यादा जो है, ज़ाहिर है कि पहले भी जुल्म हो रहा है हमारे कश्मीरी बहनों भाइयों के ऊपर पिछले 74 ईयर्स से, अब ये जो चंद सालों में हमने देखा है वो एक डिफरेंट किस्म का तशद्दुद है, वहाँ पे फोर्सेस को ज़्यादा कर दिया गया है। और ये जो बात अभी मिशाल साहब अभी कर रही थी कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी जो है वहाँ पे पामाल किया जा रहा है इंडियन फोर्सेस की तरफ से, क्या कहेंगे? समझता हूँ जी कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई है, इनका जो एजेंडा है कश्मीर के बारे में वो ये है कि बजरिया एथनिक क्लेंजिंग, ये जो उनकी एक आबादी है कश्मीरियों की सदियों से, उसको किसी तरह डाइल्यूट किया जाए। अभी जैसे मिशाल साहब ने फरमाया, उनका मौक़िफ़ जो है वो टॉर्चर, टेररी और मोलेस्टेशन, रेप, जो भी हरबा वो इस्तेमाल करते हैं, वो यंगस्टर्स को उठा उठा के इंडियन जेल्स में ले गए, यंग टीनेजर्स को, और उन्होंने उनकी जो फोर्सेस हैं तकरीबन 9 लाख, और ये मेरा ख़्याल में द मोस्ट हाईली मिलिटराइज जोन है सारी दुनिया में इस वक्त, 1 soldier to 9 citizens, 90,000 और वो 80 लाख करीब। तो हमने जो ये देखा है कि मोदी जो है, जैसे मैंने कहा, और वो डेमोग्राफिक चेंज वो चाहता है। वजह एक ही है कि जो कमिटमेंट इन्होंने की थी 48-49 की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में, उसको एक ही इशू था बेसिकली कि इनको, इनका जो कश्मीरियों का हक है, बुनियादी हक है, वो क्या था कि वोट के ज़रिए, प्लेबिसाइट के ज़रिए इनको मौका फराहम किया जाएगा, शहरियों को, कश्मीरियों को, कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला अपने वोट के ज़रिए करें। उसको क्योंकि नफ़ी करना चाहते हैं, 73 साल गुजर गए, इन्होंने बहुत, शेख अब्दुल्ला साहब के साथ 370A का कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दिया, 35A के तहत कश्मीरी सिटीजनशिप को कोई और नहीं ले सकता था, उस तमाम चीज़ को ओपनली रोल बैक किया गया, और उसके तहत जो स्पेशल स्टेटस था 2 यूनियन टेरिटरीज कर दी, इसके जरिए उसको बिल्कुल एक सबॉर्डिनेट स्टेट बना लिया थ्रू प्योर एग्रेशन। और उसके साथ ही जो ये एथनिक क्लेंसिंग के जरिए चाहते हैं कि वहाँ और लोग आएँ, वहाँ सुना है पंडित्स को भी रिहेबिलेट कर रहे हैं, जिनके कोई वहाँ जाना चाहता था, जहाँ एक ज़माने में होते थे पंडित्स। और दूसरी तरफ जो भी रिटायर्ड इनको सर्विसमैन मिलेंगे, जहाँ के भी ऑफ इंडियन ऑरिजिन अदर देन कश्मीर, उनको वहाँ ये कोई ना कोई थ्रू, जैसे अभी विशाल साहब ने कहा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी, उनके जो है रिकॉर्ड्स टोटली टैम्पर करके, और उनको वहाँ बसाना चाहते हैं कि अगले 2-3 साल में इस किस्म की हरकत करें कि वो जो 85 to 87% मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं कश्मीर के, वो ख़त्म करके, और फिर एक खुद ही कहेंगे कि आ जाइए जी हम करें। मेरा तो ये जहन मान सोच रहा है कि इनका जो वो अपना एक टोटल जैसे एलिमिनेशन की तरफ ये जा रहे हैं। और वहाँ बदकिस्मती ये है कि ये ज़रूर हुआ कि 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत कामयाब हुई कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग 1965 के बाद हुई, बहुत अरसे के बाद हुई, 54 ईयर्स के बाद। फखर इमाम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। मिशाल साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो फिगर्स हैं जो मैंने कुछ तो कोट किए हैं, बट आई थिंक इससे कई ज़्यादा, बिकॉज देयर इज़ अ ब्लैक आउट, आई मीन देयर इज़ नो एक्सेस टू द मीडिया कि वहाँ पे अंदर क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। तो ख़वातीन को जो ये टारगेट करते हैं, ख़ुसूसन हमारी जो बच्चियाँ हैं वहाँ पे टीन एजर्स को, उसका बुनियादी पर्पस यही होता है कि जो स्ट्रगल हो रही है जवानों की तरफ से, जो नौजवान नस्ल इस वक्त सामने उभर के आई है, उसको यानी इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, डिफीट करने के लिए, और ये सारी कार्रवाइयाँ जो है ख़वातीन के साथ ये करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है कि दुनिया की पुरानी तारीख भी उठा लें, जंगों के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर सेक्सुअल वायलेंस को बहुत बुरी तरह यूज़ किया गया है, ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों के ऊपर। मगर आपको ये मिसाल कभी तारीख में नहीं मिली होगी कि ये एक्ट ज़रूर हुए हैं वायलेंस के, रेप एज अ वेपन यूज़ किया गया है, मगर इंडिविजुअल एक्ट्स के तहत यूज़ किया गया, मगर कभी भी इसको स्टेट पैट्रनेज नहीं मिली जिस तरीके से हिंदुस्तान इसको यूज़ करता है। और बच्चों को, औरतों को जिस तरीके से टेरराइज करना, उनको साइलेंस करने के लिए, उनकी रेजिस्टेंस को, उनकी विल को तोड़ने के लिए, ये वो इतना घिनौना एक्ट है जिसके तहत आपकी रूह भी जो है वो भी टेर अपार्ट हो जाती है। तो ये तो एक कॉमन स्टोरी है हर कश्मीरी घर की, और एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और ख़ास तौर पर जो अंडर रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पर कि आप जाएं भी विक्टिम्स अगर, तो उनको कहाँ जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जो रेपिस्ट है, जो किलर है, जो ऑक्यूपायर है, क्या वही आपको इंसाफ देगा? उन्हीं की जेलें हैं, उन्हीं के प्रिजन्स हैं, उन्हीं की पुलिस स्टेशंस हैं, उन्हीं की कचहरियां हैं, तो उन्हीं का सिस्टम है, उन्हीं की सरकार है। तो इससे ये बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे माहौल में रहना और मुकाबला भी करना, और अपने ऊपर इतना बड़ा ट्रॉमा भी इसको हैंडल करना उसके साथ साथ। और फिर ये एक पूरी कौम का ट्रॉमा है, गाँव के वाक़यात हैं, कुनान पोशपुरा से लेकर अब तक जितने ख़वातीन पे बदतरीन टॉर्चर हुए हैं। अच्छा, क़यादत के हवाले से यासीन मलिक साहब को भी और बाकी भी जो क़यादत है उसको ख़ासकर पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा है कि उन्होंने तमाम जो APIC की जो क़यादत थी उसको बंद कर दी। इवन वो लोग जो भोंडे तरीके से इंडियंस ने पिछले 7 दहाइयों में अपने साथ जिन लोगों को मिलाया हुआ था, एक फसाद किस्म का वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट किया था, वो लोग भी इनसे नाला दिखाई देते हैं। सो डू यू थिंक कि ये मोदी सरकार का खौफ है कि अगर उस क़यादत को ये छोड़ेंगे तो इनके हाथ से मज़ीद मामलात निकल जाएंगे? देखिए, इन्होंने ये बहुत ही जो ख़तरनाक बात की है कि हमारी पूरी तहरीक को एक तो बंद करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किया, आपको भी पता है, आपने भी शेयर किया, फ़खर इमाम साहब ने भी किए, मैं भी बता रही हूँ, मगर उसके साथ साथ जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी क़यादत है, उसको जो जेलों में बंद किया हुआ है, उनकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और पार्टीज़ को बैन करना, और वहाँ पे लोगों का जब निकला जलसों के अंदर, रैलीज़ के अंदर, तो उनको कत्लेआम करना उनका, और लोगों को घरों में, डरबों में बंद कर देना, भूखा प्यासा, और हर घर के बाहर हिंदुस्तान की आर्मी को खड़ा कर देना। तो ऐसे हालात के अंदर जो वहाँ ख़तरा है कि हमारी पूरी तहरीक को ये लीडरलेस बनाना चाहते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि इस पूरे खित्ते क्या बल्कि पूरी दुनिया की तबाही का ये मरकज़ बन सकता है। क्योंकि अगर दुनिया चाहती है कि इस मसले को हल करना है तो उसका वाहिद एक ही हल है, और अगर हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो और अगली कोई गॉड फॉरबिड 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ हम हेड ना करें, जिस तरह की तैयारियाँ कर रहा है हिंदुस्तान और जिस तरह की वो धमकियाँ दे रहा है, जो उसकी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही मसले का हल है कि वो कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स, कश्मीर की आवाम को जिंदा रखा जाए और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको रिलीज़ किया जाए। और जो आपने कहा कि जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है, जो पपेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे मकबूजा कश्मीर में, उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, मगर उनकी मैं बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये उन्हीं की बदौलत है कि जो आज तक हिंदुस्तान की आर्मी जो है वहाँ पर बढ़ाई गई ओवर द डेकेड्स, और काले कवानीन इन्होंने अपनी जाली असम्बली से इन्हीं सियासतदानों ने पास कराए और इन्होंने उनको इम्यूनिटी दी। आज क्योंकि इन्होंने फुल जितना हिंदुस्तान ने इनको यूज़ करना था यूज़ कर लिया, अब इनकी कोई यूटिलिटी नहीं लगती हिंदुस्तान को, क्योंकि अब तो ये खुल के सामने आ गए हैं कि अब हम लोग इंडियन पब्लिक भी यहाँ पर आके राज करेगी। तो ये जो लोग मिशाल साहब ऐसे लोगों को डू यू थिंक कि हमें हाउस अरेस्ट किया जाए, वरना अगर आप समझें कि इनको हाउस अरेस्ट ना किया हो, ये बाहर सड़कों पे निकले तो आपके ख्याल में आवाम इनको जीने देगी? क्योंकि ये तो सबसे बड़े मतलब कि इस मंसूबे के अंदर के हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे ज्यादा क्रिमिनल यही हैं, दे आर द मेन क्रिमिनल्स। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, पब्लिक विल नॉट स्पेयर देम। बिल्कुल। ये फखर इमाम साहब मुझे ये बताइएगा कि ये मोदी का जो ये स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि नंबर चेंज करना चाहता है मुसलमानों को, यानी वो माइनॉरिटी में लाने की कोशिश करेगा और फिर एक टाइम आएगा कि उसमें कहेगा ठीक है जी प्लेबेसिट करवा लेते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की भी डिमांड है और कश्मीरियों की भी डिमांड है, और उसमें इनको फेल कर दिया जाएगा। डू यू थिंक कि ये पॉसिबल होगा? जिस किस्म की वहां पे सिचुएशन है, जिस किस्म की रेजिस्टेंस है बाहर से ला के, क्योंकि 1.5 साल में तो इनकी फौज जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकी कश्मीरियों को। मैं समझता हूँ इस अपनी स्ट्रेटजी में वो फेल होगा, और उसकी एक ही वजह है कि जिस तरीके से कश्मीरी कौम ने, कश्मीरी क़यादत ने, जो कि उनके साथ मिले नहीं, और कश्मीर की यूथ ने, उनकी बच्चियों ने, उनकी ख़वातीन ने, उनके बुज़ुर्गों ने यकमुश्त होकर जिस जमा मर्दीज़ के साथ उनका मुकाबला किया, मेरे ख़्याल में तारीख़ में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेगी। क्योंकि जब एक कौम ये फैसला कर ले, कुछ भी हो जाए, देखिए ना द मोस्ट मिलिटराइज जोन जैसे मैंने पहले कहा, वो कुछ नहीं कर पाए। इनके कोशिश उनकी ज़रूर है, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि वो इसमें बिल्कुल नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि कश्मीरियों ने ये फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए दे विल फाइट टू द लास्ट पर्सन। और जब इतना बड़ा इम्तहान हो एक कौम के लिए, पाकिस्तान का भी मेरा ख्याल में इसमें एक रोल है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा जो एक मैंडेट था मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का, जिसके तहत ये हम हमारे से वजूद में आए, वो कश्मीर पे भी लागू है। और उन्होंने तस्लीम किया उस वक्त की लीडरशिप ने, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों ऑन रिकॉर्ड हैं, और फिर रेजोल्यूशंस उसके सबूत देती हैं, और मुतवातिर ये बात चलती रही है। फिर जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा गैप आ गया बदकिस्मती के साथ। अब जब उन्होंने दोबारा इस किस्म की एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले गए, इंतहा पसंदी की तरफ आ गए हैं कि हमने ओपन किलिंग करनी है। एक बात देखें कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, आज से 3 साल पहले उसने ये चीज़ें बहुत तफसीली तौर पर पेश कर दी। पहली मरतबा ये हुआ, दूसरे साल भी उन्होंने फिर किया, 2 साल मुतवातिर उन्होंने जो वो ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो 2 तफसीली रिपोर्ट्स आई, उन्होंने इनको कसूरवार ठहराया, ओपनली कहा, पहले नहीं कहा था। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब पाकिस्तान भी तशरीफ लाए, मौके पर भी गए, और वो बार बार, क्योंकि वो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उन बातों को समझते हैं, और उन्होंने जिस कैफियत से इस चीज़ का इजहार किया, ओपनली किया कि इंडिया जिस किस्म की ये हरकतें कर रहा है ये जेनोसाइड से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ उसके अलावा वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा 3 मुख्तलिफ पार्लियामान ने, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने देखा तकरीबन 40 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस चीज़ को उजागर किया, पहले कभी नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ भी उनके जो मेंबर साहिबान हैं उन्होंने इस बात को भी उजागर किया। तो ट्रंप साहब थे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने कहा कि मुझे मोदी ने कहा है कि मैं इस चीज़ को किसी तरह हल करूं बाद में। लेकिन फखर इमाम साहब ये जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये तो सारी ठीक है, मतलब इस गुड के कम से कम लफाजी और अल्फाज की हद तक और बोलने के हद तक तो ये लोग इन बातों को मानते हैं, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता। इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी कोई इस हवाले से कोई ऐसी करारदाद नहीं लाई, कोई उनको वॉर्न नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने यूएन की जो यहाँ पे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी अटैक किया इंडियंस ने। गुजारिश ये है जी कि दो किस्म के जमहूरी ममालिक में मौक़िफ़ होते हैं, एक हकूमत वक्त का और एक जो उस वक्त की हकूमत के साथ हामी नहीं होते। ये वो लोग हैं, उनकी पार्लियामान में, उनके लेजिस्लेचर में जो ये चीज़ें उठा रहे हैं, पर ये पहले कभी नहीं हुआ। मेरी बात ये है क्योंकि हकूमतों के अपने स्टेट इंटरेस्ट होते हैं जो मैं कहूँगा, और वो फिर अमूमन ह्यूमन राइट्स को कई मरतबा फौरी तौर पर एक्नॉलेज नहीं करते। पर देखें न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार, जिसने मेरे ख्याल में 40-50 साल कश्मीर के ऊपर नहीं कहा, एक टॉर्चर रिपोर्ट निकाली थी कश्मीरियों ने, बड़ी तफसीली टॉर्चर रिपोर्ट थी कि एक एक टॉर्चर जो था उसमें उसकी बड़ी डिटेल दी हुई थी। उन्होंने अपने दो वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट्स भेजे, ये कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है, और उन्होंने उसके ऊपर फिर एडिटोरियल लिखे। उसके बाद जब ये 5 अगस्त आ गया तो मुतवातर न्यूयॉर्क टाइम्स, जो मैं समझता हूँ सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार है अमेरिका का, और वो ओपिनियन मेकर्स रोज वो पढ़ते हैं, उसने उस चीज़ को बार बार हाईलाइट किया। गार्डियन ने उसी तरह यूनाइटेड किंगडम में किया, यूरोपियन यूनियन में ब्रसल्स में इस चीज़ को बड़ा उजागर किया गया। ठीक है आप वाली बात, क्योंकि वो स्टेट इंटरेस्ट जहाँ आ जाते हैं, पर यह चीज़ को इतनी आसान नहीं है। और फिर जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जाकर जब ये UNGA में गए थे 1.5 साल पहले, सितंबर 2019 में, आप उनकी तकरीर सुने, उन्होंने वही बात की जो अभी मिशाल साहबा ने की। न्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियर इक्विप्ड स्टेट्स हैं, और ये ना हो कि इनके जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, तो कब तक पाकिस्तान जो है इस चीज़ को सहता रहेगा जो उनके साथ मजालिम हो रहे हैं। नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिशाल मलिक साहिबा का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। ब्रेक के बाद वो हमारे साथ नहीं होंगी, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फ़खर इमाम साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ख़िताब किया कश्मीर में जाके, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी ख़िताब किया, और प्रेसिडेंट ने वही आप वाली बात कही कि भारत जो है वो आग के साथ खेल रहा है, और एटमी जंग जो है वो ख़तरनाक हो सकती है अगर नेचुरली अगर इंडिया जो है वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा। LOC के ऊपर जिस किस्म की पॉलिसी उसने अख्तियार की हुई है, यानी हज़ारों दफ़ा जो है साल के अंदर वो वायलेशन करता है LOC की जो पीस एग्रीमेंट है उसके साथ। आज एक ट्वीट की थी वज़ीर आज़म साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना हल में संजीदगी दिखाए तो पाकिस्तान अमन की खातर 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। सो डू यू थिंक इट्स एन ऑफर टू इंडिया कि वो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन पे चला जाए अगर कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है? जी, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी रही है 5 अगस्त के बाद आज तक, पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर कट है। हमने देखा था कि जब उससे चंद माह पहले पुलवामा पे इंडियंस ने जारियत की तो पाकिस्तान का उन्होंने रिस्पांस देख लिया था, फुली प्रिपेयर्ड, और दे हैड टू लूज 2 ऑफ देयर एयरक्राफ्ट, और एक उनका पायलट आया जिसको विदिन 48 आवर्स हमने रिपेट्रिएट किया। तो उससे उनको ये चीज़ तो नज़र आ गई है कि टोटल रेडीनेस है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की एक कमिटमेंट है, एक पॉलिटिकल विल है कि हम जो भी होगा हम कश्मीरियों का टू दी एंड साथ देंगे। ये तो बिल्कुल चीज़ है, और वही चीज़ उन्होंने UNGA की कही थी जो आज सदर साहब ने भी कही, और फिर बार बार हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं, और जब भी हमारे वज़ीर ख़ारजा बात करते हैं मेरे ख्याल में वो भी टोटली है, सब यकमुश्त ये लाइन लेते हैं। तो और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम में भी आप इसमें कोई 2 राय नहीं पाएंगे। अब हमारे जो हालात हैं, और इसमें मैं चाइना का जो रोल है वो पाकिस्तान के साथ इसमें हमेशा खड़ा है, और उसने शो किया है जिस तरीके से, क्योंकि उनकी मेरा ख्याल में गुडविल थी जिसकी वजह से ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 3 मरतबा जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उनका मेजर रोल था। अब देखना ये है कि ये रीजन के लिए कंबस्टन इसके यहाँ बन सकती है चीज़ अगर ये आगे बहुत ज़्यादा जाते हैं। पर अब पाकिस्तान ने ये ऑफर दिया है, अब इंटरनेशनल फोर्सेस परमानेंट मेंबर्स जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी एक स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट हुई थी 2005 में इंडिया के साथ, वो की रोल अदा कर सकता है। उसके अलावा रशिया, चाइना तो वैसे भी एक अब सुपर पावर इमर्ज कर गया है, उसके थोड़े से इख्तलाफात हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं इंडिया के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस ये 5 मेंबर्स हैं, वैसे तो जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, स्पेन, फ्रांस ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं। मेरा ख्याल में ये कोई ना कोई ऐसा रास्ता जो इकोनॉमिकली और ठीक है। फखर इमाम साहब मैं बिल्कुल आप की बात जो है बिल्कुल उसमें काफ़ी वजन पाया जाता है, बट माय क्वेश्चन इज के एक मोदी जैसा शख्स जो है इंडिया में जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया और एक ज़माना था कि अमेरिकन्स ने उसकी एंट्री के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, आज मतलब ट्रम्प के दौर में तो वो बड़े उनके करीब थे, नेचुरली रियासत है वो, अब भी बाइडन साहब भी उनके साथ ताल्लुकात तो रखेंगे। जो शख्स वहाँ पे अकलियतों को कुचल रहा है, यानी पहले कश्मीरियों की नस्लकुशी, उसके बाद मुसलमानों की, रेस्ट ऑफ द इंडिया, नाउ द टारगेट इज सिख, सिखों के साथ जिस किस्म का सलूक उसने रखा हुआ है, ऐसे शख्स के साथ वो किस दुनिया की बात सुनेगा? पाकिस्तान की हमसायों की तो नहीं सुन रहा, अपने शहरियों की नहीं सुन रहा, बाहर के मुमालिक की बात वो कैसे सुनेगा? देखिए जी, गुजारिश ये है कि ये जो हमारी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है इंटरडिपेंडेंट है, मोदी ट्रेड करता है, मोदी उनसे डिप्लोमेटिक हर वक्त ऑनटॉन्ट और डेटॉन्ट गुफ्तगू करता है, और वो अपना एक हमेशा इंटरनेशनली, जो आपने गुजरात की बात की, जब ये चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तो उनका स्टेटस बिल्कुल और था, इनको 10 साल ना यूके ने वीज़ा दिया ना यूएस ने वीज़ा दिया, पर जब ये बन गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रीमस इंटर पारेस तो इनका फिर मकाम बिल्कुल तब्दील हो गया, फिर तो ये इंडिया की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब इशू एक और है मैं समझता हूँ, और वो ये है कि इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटी है, इंडिया का जो अपना पॉलिटिकल डायमेंशन है, बदकिस्मती ये है कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री टॉलरेट कर रही है बाय एंड लार्ज, वहाँ भी डिसेंटिंग वॉइसेस तो यकीनन है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे इंडिया का है वो भी कोई इतना ज़्यादा इसमें एक्टिव रोल नहीं अदा कर रहा, उनका मीडिया भी जो है उसमें चंद अफराद तो ज़रूर बोलते हैं पर वो नहीं कर रहे, जैसे आपने भी कहा जो इनकी ये 3 बिल्स इसने पास किए एग्रीकल्चर के ऊपर, टेकिंग अवे दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इंडिया दे रहा था पिछले 50 साल से, उसको जब इसने नफ़ी की आपने देखा कि 1 लाख से 1.5 लाख उनके जो किसान हैं, जिसमें मेरा ख्याल में ज़्यादा सिख है क्योंकि वो ये ईस्ट पंजाब और दूसरे साथ वाले जो हैं सूबे वहाँ से चले गए, तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। माइनॉरिटीज़ को वो ये समझते हैं, मेरे ख्याल में जो 700 साल से इनको एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हमारे ऊपर राज किया है गैर हिंदुओं ने, उसको ये करना चाह रहा है। और ये जो इसका थीसिस है मैं समझता हूँ उसको डोवाल, अजित शाह और मोदी उसका टिट्यूलर लीडर तो ज़रूर है, थिंकिंग जो करते हैं वो ये डोवाल और अमित शाह उसके लिए करते हैं। देखना ये है कि इस किस्म की थिंकिंग जो इंतहाई डेंजरस है सारी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के साथ तो हमारा हेड ऑन क्लैश है, आई बॉल टू आई बॉल है हमारे साथ, बट सारी दुनिया कैसे इतना रिस्क लेगी कि ऐसे शख्स को जाने दे आगे, और जो कि और कोने में जो भी 20% हैं और उसके अलावा जो उनके 200 मिलियन शूद्रा जिनको कहते थे, वो तकरीबन 400 टू 450 मिलियन लोग हैं जिनको ये नहीं समझता कि वो सिटीजनशिप उनकी। फिर आपने देखा आसाम में 19 लाख जो वहाँ मुसलमान आए थे आज से 50 साल पहले, उनकी सिटीजनशिप इसने थ्रू पार्लियामेंट 1 मिनट में ख़त्म कर दी। तो जितने बायस्ड एक्सट्रीमिस्ट ये फैसले कर रहा है शायद ही मॉडर्न दुनिया में किसी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फखर इमाम साहब आपके टाइम का जी। आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।